मैंशूर आप देख रहे हैं एम्फोरिया न्यूज। कोरोना वायरस की भयंकर महामारी से सामना कर रहे आम जनमानस अभी उस संकट से उबर नहीं पा रहे थे कि उनके लिए एक नई प्राकृतिक आपदा जो किसानों की फसलों को बर्बाद करने आ गई है वो है असंख्य मात्रा में टिड्डियों का दल। टिड्डियों का दल सुबह लगभग 10 बजे जब आकाश में आते हुए दिखाई दिया तो किसानों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। देखिए हमारी खबर पूरे तरह विस्तार से। अधिकांश किसान जो अभी धान की रोपाई नहीं कर पाए हैं अपने घरों से थाली टीन का कनस्तर ले जाकर धान की नर्सरी और जानवरों के हरे चारे बजरी के पास जाकर बजाने लगे, जिससे टिड्डियों का दल आसपास मंडराने लगा। इस तरह से 3 माह से कोरोना की भयंकर महामारी का सामना करना पड़ रहा था कि अचानक ये असंख्य मात्रा में टिड्डियों का दल उनकी फसलों को चौपट करने आ गया। किसानों के लिए एक नई मुसीबत आ गई। ये टिड्डियां आतंक का दल धरातल पर उगने वाली वनस्पतियों को अपना आहार बनाती हैं और उसे नष्ट करने में विशेष भूमिका अदा करती हैं, जिससे फसलों पर व्यापक असर पड़ता है और लोगों के लिए भोजन शुद्ध वायु तक की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस जैविक प्रहार से कृषि प्रधान देशों में भारी संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एम4यू न्यूज को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल का आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको सभी न्यूज टाइम पर मिले। आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर बता सकते हैं।